बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम कंक्रीट की जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे या उनको कैलकुलेट करेंगे कि कंक्रीट में कौन कौन सी आइटम्स यूज़ होती हैं, जिस तरह सीमेंट है, सैंड है एंड क्रश है। और कंक्रीट के उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले कंक्रीट की दो टाइप्स को डिस्कस करना ज़रूरी है। कंक्रीट की बेसिकली दो टाइप्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ हो रही हैं, जिसको PCC और RCC कहते हैं। पहली PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और दूसरी RCC रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अगर सीमेंट के कंक्रीट के अंदर कोई रीइंफोर्समेंट यूज़ ना हुई हो, यानी कि जिस तरह हम स्टील यूज़ करते हैं, स्टील बार यूज़ करते हैं, सरिया यूज़ करते हैं, तो अगर वो यूज़ नहीं हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं PCC, मतलब फर्श डालने के लिए PCC की जो गलियाँ आजकल बन रही हैं, फुटपाथ बनाने के लिए जो यूज़ होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज़ हो रही है, और छतों के जो स्लैब बनाने के लिए कंक्रीट यूज़ होती है उसको RCC बोलते हैं। तो PCC के आज हम एस्टिमेशन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं और उनको कैलकुलेट किस तरह करना है। तो इसमें सबसे पहले जो काम हमने करना है उसका वॉल्यूम निकालना है। वो कंक्रीट जो हम डालने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वो जो अगर हम बिलफर्ज फर्श डालने जा रहे हैं किसी भी हॉल का, रूम का, तो जिस तरह हमने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है हॉल की 34 फीट है, और इसकी चौड़ाई ब्रेथ जो है वो है 15.5 फीट, और इसकी थिकनेस जो हम उस फर्श की थिकनेस रखेंगे, कंक्रीट डालेंगे कितनी थिकनेस में, वो 3 इंच है। 3 इंच को फीटों में कन्वर्ट करने के लिए 12 में तकसीम करेंगे, और उसके बाद जब इसका आंसर निकलेगा 0.25 फीट निकलेगा। तो वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम जो है कंक्रीट का वो क्या निकलेगा, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट वॉल्यूम आ गया 131.75 CFT हमारे पास। अब वेट वॉल्यूम को हमने कंक्रीट के वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर है 1.54 का। तो वेट वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए जो वेट वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.54 के साथ, तो हमारे पास आ गया 202.895 CFT। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गई क्वांटिटी उस कंक्रीट की जो कि हमने वहाँ पे डालनी है। अब कंक्रीट की रेशो होती है, कंक्रीट जो है जो अभी हम डाल रहे हैं 1:4 की रेशो में डाल रहे हैं, सम ऑफ रेशो निकालना है इसका, ये 7 हो गया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, अब इसकी जो आइटम्स हैं, सीमेंट होता है, सैंड होती है, और क्रश या बजरी होती है, तो वो हमने निकालनी है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट के लिए रेशो ऑफ सीमेंट 1 ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो 7 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जो हमें क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास निकली, तो ड्राई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह हमारे पास 28.984 CFT निकला सीमेंट। बट सीमेंट जो है CFT में हमें मार्केट से नहीं मिलता, बैग में मिलता है, तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है हमने 1.25 के साथ इसको डिवाइड करना होता है उस सीमेंट की क्वांटिटी को, तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स निकल आते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आया, इसको डिवाइड करने से 23.187, तो राउंड अबाउट हमने किया 23 बैग्स सीमेंट इसमें यूज़ होगा। इस तरह सैंड, सैंड की जो क्वांटिटी निकालनी है उसके लिए हमें रेशियो ऑफ सैंड जो कि 1:2 थी, रेशियो ऑफ सैंड 2 है, और सम ऑफ रेशियो और इस जो टोटल ड्राई क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह हमारे पास 57.968 CFT सैंड आ गई। इस तरह बजरी है, तो बजरी या क्रश जो है उसकी जो रेशियो हमने रखी हुई थी 4 थी, तो रेशियो ऑफ क्रश और बजरी उसके बाद तकसीम करना है सम ऑफ रेशियो के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास 115.936 CFT ये आ गई वैल्यू इसकी क्रश की। तो ये आसान सा एक बहुत ही आसान मेथड है किसी भी कंक्रीट का। कंक्रीट तो आजकल ट्रिमेंडसली यूज़ हो रही है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो जो भी कंक्रीट का काम हो रहा है उसकी आप वॉल्यूम निकाल के उसमें सैंड, सीमेंट एंड क्रश जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।